हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। तो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से मोशन का वो हम पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो सेकेंड लॉ है उनकी बात करेंगे। आज हम कैलकुलेशन करेंगे किसकी, मोमेंटम की। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ ए स्टोन हैविंग मास ऑफ 10 kg। तो स्टोन का मास है वो कितना दे रखा है, 10 kg दे रखा है। व्हेन इट इज़ थ्रो विथ ए वेलोसिटी ऑफ 2 m/s। जो वेलोसिटी है वो कितनी दे रखी है, 2 m/s दे रखी है। तो पहले लिखना है तुम्हें गिवन, गिवन क्या कर रखा है हमें, मास दे रखा है कितना, 10 kg। तो यहाँ पे तुम्हें एक बात ध्यान में रखनी है, जो मास है वो हमेशा किस में लेना है, केजी में लेना है। और वेलोसिटी किस में लेना है, मीटर पर सेकेंड में लेनी है। तो वेलोसिटी कितनी है, 2 m/s। तो पी इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू वी होता है, एम इंटू वी। तो एम कितना है, 10 kg, और 10 kg इंटू वेलोसिटी कितना है, 2 m/s। 10 × 2 कितना हो गया, 20 kg/s आंसर हो जाएगा, 20 kg/s ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए बुलेट ऑफ 25 g। तो यहाँ पे देखो, जो बुलेट का जो मास है वो कितना दे रखा है, 20 g दे रखा है। तो इसको पहले किस में चेंज करना है, केजी में चेंज करना है। तो केजी में चेंज करने के लिए हम 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 25/1000, तो ये कितना हो जाएगा, 0.025 kg हो जाएगा। और जो वेलोसिटी है वो कितनी दे रखी है, व्हेन इट इज़ फायर्ड फ्रॉम ए गन विथ ए वेलोसिटी 100 m/s। तो ये तो मीटर पर सेकेंड में दे रखी है, 100 m/s। तो पी बराबर क्या होता है, पी इक्वल टू एम इंटू वी। तो ये हो जाएगा 0.025 kg इंटू 100 m/s। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2.5 kg/s। 0.25 × 100, 2.5 kg/s। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें ध्यान किस बात की रखनी है कि इसमें ग्राम को पहले किस में चेंज करना है, केजी में चेंज करना है। ये देखो, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी, 100 m/s, और मास जो है बुलेट का कितना है, 25 g, जिसको किस में चेंज किया हमने, केजी में। केजी में चेंज किया तो ये हो गया 0.025 kg। और जो इसका मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, पी इक्वल टू एम वी। तो ये आंसर आ जाएगा 0.025 × 100, 2.5 × 2.5 kg/s। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए बुलेट हैविंग मास ऑफ 20 g इज थ्रो यूजिंग हैंड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 0.1 m/s। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन सेकेंड और थर्ड सेम है, वहाँ पर भी जो बुलेट का मास था वो कितना था, 25 g था। तो ये केजी में कितना हो जाएगा, 0.025 kg हो जाएगा। बट यहाँ पर जो बुलेट है ये थ्रो किसके द्वारा की जाती है, हैंड के द्वारा थ्रो की जाती है। और वहाँ पर किसके द्वारा थ्रो की जा रही थी, गन के द्वारा। तो गन के द्वारा स्पीड कितनी थी उसकी, 100 थी। बट यहाँ पे हैंड के द्वारा थ्रो कर रही है तो उसकी स्पीड कितनी है, 0.1 m/s है। तो पी इक्वल टू क्या होता है, एम वी। तो एम कितना है, 0.025। और जो वेलोसिटी है वी वो कितना है, 0.1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.0025 kg/s।
ये क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी कितनी है, 0.1 मीटर पर सेकेंड, और ये मास हो गया 0.025 केजी, और मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया, 0.0025 केजी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, द मास ऑफ ए गुड लॉरी इज 4000 केजी। जो गुड्स लॉरी है उसका जो मास है वो कितना है, 4000 केजी है। एंड द मास ऑफ गुड्स लोडेड ऑन इट इज 20,000 केजी। और जो इसमें जो लगेज है, जो गुड्स है, उसका मास कितना है, 20,000 केजी है। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 24,000 केजी आ जाएगा। इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स मोमेंटम। तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एम इंटू वी होता है। तो एम यहाँ पर कितना है, 24,000 केजी इंटू जो वेलोसिटी है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा, 48,000 केजी मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 48,000 केजी मीटर पर सेकेंड इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये देखो मास ऑफ लॉरी 4000 केजी, और जो लॉरी का मास है वो कितना है, 20,000 केजी। जो गुड्स है लॉरी में उसमें उसका मास, तो टोटल मास हो गया 24,000 केजी, और 24,000 इंटू 2 कितना हो गया, 48,000 केजी मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम ऑफ लॉरी कितना हो गया, 48,000 केजी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक कार क्या है, कार जिसका मास कितना है, 100,000 केजी है, और जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, 0.5 मीटर पर सेकेंड है, 0.5 मीटर पर सेकेंड है। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 1000 केजी इंटू 0.5 मीटर सेकेंड, तो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये देखो इसका जो वेलोसिटी है वो कितना, 0.5 मीटर पर सेकेंड, और मास 1000 केजी, और जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, पी इक्वल टू एम इंटू वी। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 500 केजी मीटर पर सेकेंड। थैंक यू।